ये कुनो नेशनल पार्क है जहां पर चीतों का आगमन हुआ है। आपके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि अगर विदेश से चीतों को लाना था तो कुनो नेशनल पार्क को ही क्यों चुना गया। तो हम आपको बताएं कि दरअसल 10 ऐसे अलग अलग नेशनल पार्क्स का सर्वेक्षण किया गया था और उनमें से पाया गया कि चीतों के लिए कुनो सर्वश्रेष्ठ है। नामीबिया के 8 चीतों का अब नया ठिकाना है, नया पता है। ये नया ठिकाना है कुनो नेशनल पार्क। भोपाल से 400 किलोमीटर दूर ये नेशनल पार्क में चीते पलेंगे, बढ़ेंगे, फर्राटे भरेंगे कि वहाँ के जंगलों में उसका शिकार हुआ था। यहाँ का जो पर्यावरण है कमोवेश चीतों के लिए बहुत सही है। जिस तरीके का पर्यावरण वहाँ पर हम नामीबियन जंगलों में देखते हैं वैसा ही यहाँ पर है। तो अगर ये तय किया गया था कि अफ्रीकी चीते को लेकर आया जाएगा यहाँ पर, क्योंकि सब स्पष्ट समझ सकते हैं कि एशियाई चीतों को क्यों नहीं लाया जा सकता है, उसकी एक 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 एक, एक, एक जो मापदंड है उसके आपको पूरे करने होते हैं, उतनी संख्या में है ही नहीं एशियाई चीते, इसीलिए यहाँ पर अफ्रीकी चीते आ रहे हैं। सवाल है कि आखिर कुनो नेशनल पार्क ही क्यों, चीते का भारत में बसेरा कुनो नेशनल पार्क ही क्यों बनाया गया। तो जान लीजिए, ये ऐसा इलाका है जो चीते के माफिक है, बिल्कुल वैसा ही जैसा नामीबिया के जंगलों का वातावरण है। 10 जगहों की सर्वे के बाद कुनो को चुना गया। यहाँ का माहौल अफ्रीका के जंगलों की तरह है। चीतों के लिए यहाँ पर्याप्त खुराक है, ऊंचे घास के बड़े मैदान है। कुनो नदी और आसपास की पहाड़ियां चीतों के पलने बढ़ने के लिए माकूल है। चीतों के शिकार करने, दौड़ने, फर्राटे भरने के लिए काफी जगह है। इन जंगलों में इंसानों का दखल ना के बराबर है। कि अफ्रीका से, नामीबिया से चीते भारत और भारत में भी मध्य प्रदेश में भी कुनो पालपुर आ रहे हैं। ये प्राणियों में सद्भावना हो, चीता समाप्त हो गया था, चीता को फिर से पुनर्स्थापन करने का ऐतिहासिक काम हो रहा है। चीतों को लाने से पहले कुनो के जंगलों में दूसरे जानवर लाकर बसाए जा चुके हैं। 200 सांभर, चीतल और दूसरे जानवर खास तौर पर लाकर बसाए गए हैं। इनकी जनसंख्या बढ़ने लगी है। कुनो में चीतल, सांभर, नीलगाय, जंगली सुअर, चिंकारा, चौसिंगा, ब्लैकबर्ग, ग्रे लुंगर, लाल मुंह वाले बंदर, शाही भालू, सियार, लकड़बग्गे, ग्रे भेड़िए, गोल्डन सियार, बिल्लियां, मंगूस जैसे कई जानवर हैं। चीते पूरी सरपट रफ्तार से हिंदुस्तान में भी अब दौड़ रहे हैं। उम्मीद है कि पर्यटन और पर्यावरण दोनों के लिए ये अच्छी खबर है।